उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालय के छात्र अब शैक्षिक हवाई यात्रा करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत गाजीपुर के बरहपुर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। यहां के छात्र अपने विद्यालय में टॉप आने पर उनके ग्राम प्रधान के द्वारा दिल्ली तक की 3 दिवसीय शैक्षिक हवाई यात्रा कराया जा रहा है, जो 3 दिनों की यात्रा करने के बाद 28 जुलाई को वापस आएंगे। इस दौरान वह दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर ज्ञानार्जन भी करेंगे। दरअसल करीब 1 साल पूर्व देवखली विकासखंड के अंतर्गत ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान विजय सिंह सबलू के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि उनके द्वारा विद्यालय के उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क हवाई यात्रा कराएंगे, जिसके क्रम में मंगलवार को इंडिगो एयरलाइन से वाराणसी से दिल्ली तक का सफर कराने के लिए ग्राम प्रधान विजय सिंह उर्फ सबलू, छात्रा गार्गी दुबे, श्रेया मौर और वर्षा राजभर को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हुए। इसके पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव के द्वारा आज सुबह छात्राओं को सुबह का नाश्ता कराने के पश्चात सभी को चंदन रोली लगाकर और गिफ्ट पैक देकर साथ ही हवाई जहाज का टिकट सौंप उन्हें रवाना किया गया। हमारे जनपद के देवकली ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय बरहपुर के दो छात्राएं जो कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की थी, एक गागी दुबे, दूसरा श्रेया मौर्या और उच्च प्राथमिक विद्यालय नंदगंज की छात्रा है वर्षा राजभर, इन तीनों को वहाँ के ग्राम प्रधान ने अपने स्वयं के खर्चे पर हवाई यात्रा के माध्यम से दिल्ली भ्रमण कराने का निश्चय किया था, वही आज कार्यक्रम। तो इस तरह से उनको प्रेरणा कैसे आई या कैसे क्या हुआ? उनके द्वारा यह बताया गया कि इनके अंदर ये कई जगहों से देख करके ये प्रेरित हुए थे कि हमारे यहाँ के भी बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उनको इस तरीके से प्रेरित करना चाहिए कि वो देश दुनिया को जान सके और इसी उम्र में उनको आगे बढ़ने की एक लालसा पैदा हो सके, जिसके तहत उन्होंने ऐसा नेक कार्य किया है। सर, जो 3 छात्रों का जो चयन छात्राओं का चयन हुआ है तो क्या वो निकुण योजना के तहत हुआ है या कैसे क्या हुआ? इन तीनों छात्राओं ने वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, उसके आधार पर इनका चयन किया। सर, अब इस तरह से आप 3 छात्राओं का जो है हवाई यात्रा कराई जा रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका परिषदीय विद्यालय पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से समाज में प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हम उनको प्रेरित करें, जिसमें हवाई यात्रा भी है, उनको कुछ पुरस्कार स्वरूप जैसे कि टैबलेट देना हुआ, लैपटॉप देना हुआ या आगे के उच्च शिक्षण के लिए फीस देना हुआ। मुझसे व्यक्तिगत रूप से जो आजकल हम लोग जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें काफी लोग आ रहे हैं और मुझसे इस तरीके की बात शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस अच्छी घटना का समाज पे और भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे और भी लोग आगे आएंगे और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे।